नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े चार्ट पेपर पर गोदना पेंटिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चार्ट पेपर के बीचों बीच 5 इंच एवं 5.5 इंच के त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाहरी ओर 11 इंच की भुजा वाला वर्ग बनाएंगे। चार्ट पेपर के लंबे भाग की ओर वर्ग को 3-3 इंच बढ़ाते हुए हम उसे आयत का आकार देंगे। पुनः उस आयत के बाहरी ओर 3-3 इंच बढ़ाते हुए एक और बड़ा आयत बनाएंगे। अब हम उस पेंसिल से खींचे गए लकीरों के ऊपर काले रंग से दोहरी लकीरें खींचेंगे। उसके बाद हम वृत्त के भीतरी भाग को छोड़कर सभी दोहरी लकीरों के ऊपर दोहरी मेहराबदार लकीरें खींचेंगे। वृत्त के चारों कोने पर इस प्रकार से 4 कछुए बनाए जाएंगे। तत्पश्चात दोनों वृत्त के बीचों बीच इस प्रकार से मछलियां बनाई जाएंगी। वृत्त के ऊपर और नीचे के 3-3 वाले इंच के हिस्सों में हम चिड़ियों के जोड़े बनाएंगे। यह देखिए इस प्रकार से उन पक्षियों के जोड़े के ऊपर अब हम भंवरे बनाने जा रहे हैं। दो भंवरों के बीच में इस प्रकार से फूल और पत्तियां बनाएंगे। इसके पश्चात हम चार्ट पेपर के सबसे ऊपरी वाले भाग में चींटियों के पंक्तियां बनाने जा रहे हैं। वृत्त के निचले हिस्से में बनाए गए परिंदों के जोड़ों के नीचे जो जगह है उस रो में हम मोर बनाने जा रहे हैं। मोर के निचले और आखिरी हिस्से में हम एक के बाद एक तोते और चिड़िया बनाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चित्र हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इसे तैयार रखिए। धन्यवाद।